नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूँ। इस महामारी में, इस कोरोना वायरस में जो हम लोग लॉकडाउन में हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, हम लोगों को बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। और जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ और अभी जो सेकेंड लॉकडाउन हो रहा है, चल रहा है, इसमें हम लोगों को घर में ही रहना है। और घर में रहने से हम लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है, हो सकती है आगे भी, इस महामारी से निपटने के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सब लोग घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल बाहर ना निकलें। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस जो है, ये बहुत ही जानलेवा वायरस है, छुआछूत बीमारी है। इससे निपटने के लिए हम लोग को घर में ही रहना है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सेकेंड लॉकडाउन का आह्वान किया है, इसका पालन करना है हम लोगों को, 100% पालन करना है। हम लोगों को जब जरूरत हो तभी घर से निकलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये लेके आए हुए हैं, जिसके कारण हम लाइव आए हैं, और मेरा ये फर्स्ट टाइम, पहली बार ये लाइव आए हैं, आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रख सकूं, जिससे मोर देन 90% लोग, मतलब 90% से ज़्यादा लोग जो है इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे होंगे और करेंगे आगे चल के काफ़ी लंबे समय के लिए। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों को घर में रहने की आदत नहीं है, तो उनको बहुत सारे लोगों को जो रहने की आदत नहीं है, उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का वो शिकार हो रहे होंगे घर में। तो उनको सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि उनको करना क्या चाहिए, कि उनको सबसे पहले उनको जिस काम में, जिस चीज़ में मन लगे घर में रह के, वही चीज़ करना चाहिए, जिससे खुद को परेशानी ना आ सके और दूसरे को भी परेशानी ना हो सके। तो सबसे पहले यही काम करना है कि हमको इस चीज़ से परेशानियाँ नहीं हो रही। तो उनका जो मोटिव होगा, जो उनका पॉइंट होगा, सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि घर में रह रहे हैं, डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो हेल्थ के लिए आप प्रोटीनियस चीज़ खाएं, सारे जो भी चीज़ एनर्जेटिक चीज़ें आप खाएं, उसको सही से पालन करें। और ऐसा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, घर में जो रहना है तो आपको डिप्रेशन से ना हो, इसके लिए आपको, अगर आपको सॉन्ग पसंद है तो सॉन्ग सुने, गाना सुने, आपको अगर डांस करना पसंद हो तो डांस करें, अगर आपको अच्छी मूवी देखना हो तो मूवी पसंद है तो मूवी देखें, अगर आपको न्यूज़ चैनल देखना है न्यूज़ देखें, गेम खेलना हो गेम खेलें, कुछ ना कुछ करते रहें, खाली बिल्कुल ना बैठें, घर में रहें खाली बिल्कुल ना बैठें, भरपूर नींद लें, नींद में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपको, भरपूर नींद भी लेना है। साथ में आपको आपके घर में, अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे में भी समय दें, ताकि बच्चे को भी स्कूल बंद है, बच्चे भी इरिटेट हो रहे होंगे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे डाइवर्ट हो सकते हैं अपनी पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से, तो आप उनके साथ भी कुछ समय बिताएं, अपनी फैमिली के साथ भी समय बिताएं, और आपको अपने माता पिता के साथ भी समय बिताना चाहिए, आपको अपने माता पिता को भी सेवा करना चाहिए, साथ में अपने जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जितने भी दोस्तों हैं, सब लोगों के साथ में बातचीत करनी चाहिए। दैट मीन्स कि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी हाल में खाली नहीं बैठना है। अगर आप थोड़ा समय के लिए भी खाली बैठेंगे तो आपको कुछ ना कुछ निगेटिव थॉट आएगी, निगेटिव सोच आएंगे आपके दिमाग में, जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना है,
जिनको जो चीज़ पसंद है वो करना है, पॉजिटिव चीज़ करना है। आपको पहले बता ही दिया कि हेल्थ पे ध्यान देना है, और दूसरा चीज़ हेल्थ के साथ साथ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एजुकेशन पे भी ध्यान देना। आप घर में छोटे हो बड़े हो जो भी हो, सब लोग को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग जॉब में जो लोग वो सोचते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है कुछ एक्स्ट्रा करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने का, कुछ अपना पढ़ाई पे ध्यान देने का। तो उन लोगों को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपको अभी ये बहुत ही अच्छा मौका भी मिला है, ये समझ लीजिए, जो आप घर में रह रहे हैं तो इसको ऐसे ही टाइम को बिताए नहीं, व्यर्थ में ना बिताए, ठीक है। तो आपको इस टाइम को व्यर्थ में नहीं बिताना है, तो इस टाइम को अच्छा करने के लिए आपको जिस चीज़ को सोच रहे हो कि हमें काश हमें समय मिलता तो हम कुछ अच्छा करते, कुछ अपना डेवलप करते, अपना हेल्थ पे, अपना पढ़ाई पे, अपना एजुकेशन पे, अपने इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो भी कुछ आपको ग्रोथ करना है, या अपने लिए कुछ अलग सोचते कुछ करते जिससे हमारा लाइफ आगे सेटल रहे, आगे लाइफ मेरा अपना ज़िंदगी आगे के लिए जो है तो कुछ अच्छा हो, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये करें, आप उसको जो अच्छा लगे वो करें, अपना प्लानिंग कर लें जो हमें आगे इस तरह से चलना है उस तरह से चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉकडाउन में जो भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी गरीब लोग, जो भी आपको पुअर पीपल्स हैं, जो भी गरीब क्लास के लोग हैं जिनको अभी एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा है, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, उन लोगों के लिए, बड़े लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, उन लोगों के लिए आप लोग अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं जो सबसे गरीब हैं उनके विशेष करके आप ध्यान दें और उनको सहायता करें, क्योंकि उन लोगों को अभी जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनको खाने के लिए भी नहीं कुछ मिल रहा होगा, पैसे नहीं होंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ से विनती करूँगा, हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप उन लोगों को ज़रूर मदद करें, ज़रूर हेल्प करें। यही मानव जाति का धर्म का यही मानव जाति का धर्म है कि दूसरों को मदद करें। जो अगर जो भी आदमी दूसरों की मदद में काम में आए वो इंसान इंसान करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप दूसरों को ज़रूर मदद करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथ में, जो आप अपने घर में बुजुर्ग को, बुजुर्ग जो भी आपके घर में जो भी बड़े बीमारी से ग्रसित हैं, बड़े रोग से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, जैसे कि हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड जो भी बड़ी बीमारी है उनसे, उनको इस COVID-19 से, कोरोना वायरस से सावधान रखना है, उनको बिल्कुल नहीं घर से निकलना, उनको ज़्यादा ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। और सब लोगों से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सब लोग अपने फैमिली में मिलजुल कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में बहुत ही सारी चीज़ का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, कृपया भी किसी भी तरह का और आप लोग निगेटिव थॉट को नहीं लाएं ब्रेन में, दिमाग में, आप लोग अच्छे से घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलें। और मैं इसी चीज़ के लिए मैं पहली बार लाया हुआ हूँ, तो मैं आप लोगों से अब जाने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।